अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है जहाँ भी आप हैं अल्लाह आपको खुशी और सलामती के साथ महफूज रखे। दोस्तों आज आप हज़रात की खिदमत में हम ये बतलाने वाले हैं कि फेस के बाल, चेहरे के बाल साफ़ करने के लिए थ्रेडिंग का तरीक़ा इख्तियार कर सकते हैं, यानी धागे के ज़रिए से चेहरे के बाल साफ़ कराना कैसा है, जायज़ है या नाजायज़ है, और मर्दों के लिए जायज़ है या नहीं, औरतों के लिए क्या हुक्म है, और इसकी लिमिट क्या है, मर्द हज़रात कहाँ से कहाँ तक करा सकते हैं और औरतों के लिए क्या गुंजाइश है, ये सारी बातें आज आपकी खिदमत में हम क्लियर करने वाले हैं। याद रखें आप ये बात कि थ्रेडिंग का तरीक़ा इख्तियार करना, चेहरे के बाल साफ़ कराने के लिए चेहरे पर धागा लगाना, ये मर्द औरत दोनों के लिए इसकी गुंजाइश है, यानी गुनाह नहीं है। अगर मर्द कराना चाहें तो मर्द भी करा सकते हैं, औरतें कराना चाहें तो औरतें भी करा सकती हैं। बस इतना ख्याल रखना ज़रूरी है कि मर्द हजरात जो जबड़ा होता है हमारा ऊपर वाला, इस जबड़े से ऊपर ऊपर का हिस्सा धागे के ज़रिए से साफ करा सकते हैं। जबड़े से नीचे का जो हिस्सा होता है वो दाढ़ी की जिसे में आता है, दाढ़ी के मकाम में, दाढ़ी की जगह में होता है, यहाँ उगने वाले बाल दाढ़ी कहलाते हैं। तो दाढ़ी साफ़ करने या दाढ़ी में थ्रेडिंग, दाढ़ी की जगह पर थ्रेडिंग कराने, धागा लगवाने की इजाज़त नहीं है। जो गाल है गाल पर लगवा सकते हैं, जो जबड़े से ऊपर का हिस्सा है जो दाढ़ी की हदूद में नहीं आता है, वहाँ अगर थ्रेडिंग कराना चाहे कोई मर्द तो उसकी गुंजाइश है और वो इस तरीके पर अपने चेहरे के बाल साफ़ करा सकता है। ये तो भी मर्द के ताल्लुक से। औरतों के ताल्लुक से जहन में रखें कि अगर औरत के चेहरे पर जायद बाल नज़र आ रहे हैं, औरत के चेहरे पर बाल या रुआ नज़र आ रहा है और वो उसको साफ़ करने के लिए धागा लगवाती है, थ्रेडिंग का तरीक़ा इख्तियार करती है, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन याद रखें ये सिर्फ चेहरे पर उगने वाले बालों के ताल्लुक से जायज़ है। भवों को बराबर करने के लिए या उनको सेट करने के लिए वहाँ धागा लगाना या उस भवों को बनाना और सिंगारना या उसको कैंची से कतरना, इसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं है। फेस पर, गाल पर या इस मकाम पर जो बाल उग जाएं या रुआ नज़र आए, जायद बाल दिख रहे हैं, तो उनको धागे वगैरह के ज़रिए से साफ़ कराने के लिए औरत के लिए भी इजाज़त है और मर्दों के लिए दाढ़ी के मकाम से ऊपर ऊपर इजाज़त है। जो दाढ़ी का मकाम है उस दाढ़ी के मकाम और जगह में मर्दों के लिए भी धागा लगवाना या उस्तरा लगाना कुछ भी जायज़ नहीं है। उम्मीद करता हूँ मैं आपको अपनी बात समझा पाया हूँ। दुआओं की दरख्वास्त है, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह किसी नई और अच्छी वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।